राधा मैया की जय, वृंदावन धाम की जय। तो हम मैया की और यात्रा हमारी आज से शुरू हो रही है और अभी से निकल पड़े, घर को कर दिया है बाय बाय, है ना। बस हमारी यात्रा शुभ रहे और बस मैया के दर्शन हम अच्छे से कर पाए। हम जा नहीं पाए थे जब शुभ पैदा हुई थी, तो हमने बोला था कि हम एक बार वृंदावन जरूर जाएंगे और गुड़िया को भी ले आएंगे। हमारा प्लान था कि हम 3-4 मंथ में जाएं, फिर था कि 6 मंथ में जाएं। 6 मंथ में तो ऐसा था कि जाना ही है, बट वो भी हो नहीं पाया। तो अभी ये किस्मत के खेल, तो ये देखो कि अपनी बड़ी गाड़ी होती हुई भी छोटी गाड़ी में जाना पड़ रहा है, उसका परमिट अभी तक नहीं आया। हाँ, बताओ। तो वो हम मतलब पंजाब स्टेट से बाहर नहीं लेके जा सकते, अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए हम अपनी छोटी गाड़ी में मैनेज कर लेंगे। इसने हमारा बहुत साथ दिया। और हाँ, अब गुड़िया हमारी 1.5 साल की हो रही है तब हम जा रहे, तो मतलब इतनी बार प्लान बनता गया और प्लान ड्रॉप होता गया, तो अब हमने सोचा कि क्यों ना इसको एग्जीक्यूट किया जाए और जाया जाए। अब तो मैया के पास चलते ही हैं बस। तो आप लोग भी बने रहिए, आप लोगों से भी मिलवाएंगे। तो अब आप लोगों को सारे जो व्लॉग्स मिलेंगे सब वृंदावन धाम के मिलेंगे। हमारा यहाँ तक के पहुँचने तक का सफ़र आप लोगों को मेरे ख्याल 10-12 व्लॉग्स तो बन ही जाएंगे, ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो बने रहिए और व्लॉग्स देखते रहिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है। मैं ना अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाई क्योंकि शुभांगी बहुत तंग कर रही थी, और अभी रास्ते में शुभांगी का थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप अभी बिखर गया है, यहाँ पे किया है इसके पापा ने, तो ये इसको सुला दूंगी, सुलाने के बाद मैं रेडी होंगी। मैंने अभी नेल पेंट लगाना, सच में मैंने पार्लर भी जाना था, बट नहीं, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, सब ठीक है। जो है मैया के दर्शन हो जाए अच्छे से, बस उसके बाद दिल तो ऐसा कि वृंदावन से वापस ही ना हो, वृंदावन में घूमती रहूँ मैं, ऐसा दिल है। टटम टटम सामान गिर रहे और ये हंस रहे। अभी बताओ हम क्या बात कर रहे थे। मतलब ये कह रहे ना गैस थोड़ी सी, चलो छोड़ो यार, फिर बताएंगे आपको। क्या बोल रहे हो? बकवास करवा दो तुमसे जितने मर्जी है। और आप क्या करते हो? काम की बात तो होगी नहीं, कुछ काम की इन्फॉर्मेशन या कुछ अगर होगी नहीं, बस डायलॉग मारने लग जाते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं यार? मैंने ये घड़ी नहीं ली पहनी। चलो मैं आपको खरीद दूंगी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी काम की बात थी ना। चलो कोई ना, छूटगी छूटगी। अभी धूप है गाइस, शाम का टाइम हो रहा है, मतलब इवनिंग में, रात भर हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं और ये मेरी रील बनाने वाले हैं। खाना हमने खाया है, कुछ नहीं है, रास्ते में खा लेंगे। नहीं, पापू की फैक्ट्री जो है रस्ते में खा लेंगे, चुपचाप खाना बनाइए घर पे यहाँ पे पहले, फिर जाएंगे हम खाना खा के। कोई फालतू खर्चा नहीं, एक पैसा नहीं खा। तू कितना मजा आता है बोलते। इसको पता है खिला दूंगा इसको, फिर भी कार्ड तो सारे मेरे पास ही है। एक्सेस सारा रखा गाइस मैंने। तो गाइस हम ना आधे रास्ते में तो क्या, अभी बाहर ही नहीं निकले और भूख लग गई है हमें, तो हमने थाली ऑर्डर की है। और मेरा यहाँ पे ध्यान जा रहा है वो वाला खाना, मैंने वाइट वाला दिख रहा है वो वाइट वाला ग्रीन वाले के साथ बंद, क्या है? बंद नहीं है वो केक, केक है वो, ये हाँ ये खाना है। चलो पहले थाली आ गई, उसके बाद खाने की बात। हाँ चलो खाना आ गया, खाना खाते हैं। खाना आ गया हमारा, खाना। रोटी बटर वाली सोचें? बटर वाली ही देना, तवा वही दे दो आप, मजबूरी ये। और शुभ यहाँ पे मट्टी एंजॉय कर रहा है, भैया ने इसको बाहर ही मट्टी दी है, तो वो अभी वो खाने लगी, पूरी मट्टी कंप्लीट करके फिर बात करेगी, है ना शुभ? वो इसको पसंद नहीं ना, इसको ना कोई चिप गाल पकड़े किसी ले, इसको पसंद नहीं है, तो ना ये बहुत गुस्सा होती है। एक्चुअली हम जाते जाते थोड़ा दीदी से और मॉम से मिल के गए, मतलब मिल के आए, अब वहाँ पे तो अभी लेट हो रहा था, तो हमने भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, तो अब लंच तो होना हो नहीं रहा है, ये डिनर ही समझ लो क्योंकि रात के अभी 8 बज गए, तो हम डिनर कर रहे हैं। और इसको इतना गुस्सा है, सो के उठी थी, चिढ़ गई थी, बहुत रोई है, बहुत रोई, फिर इसको मट्टी मिला, अभी खुश है ना। फटाफट खाते और खा के निकलते, जय श्री राधा रानी, है ना। इनका मिक्स वेज ना ऐसे रह जाएगा, दाल खा लेंगे
और मैं अपना मिक्स वेज खा के भी इनकी मिक्स वेज खा लूँगी। अब खाने लगे मैं सब्जियाँ खाता हूँ हाँ, दिखाने के लिए सिर्फ। क्या हुआ है, हो गया पेट भर गया। तो यार देखो पूरी सब्जी बच गई, थोड़ा सा राइस, राइस का छोटा पता नहीं, सब्जी पूरी बच गई, मैं खाऊंगी अपनी वाली, मैंने खा ली है। हाँ लेना है वाइट वाला, हाँ एक ही पीस मेरा फेवरेट। तो गाइस जब इनसे नहीं खाया जा रहा ना, तो मैं खाऊंगा फिनिश करो। हाँ ये आ गया, मैं नहीं देखती ना, तो शाही टुकड़ा है पता नहीं क्या है ये। आपकी सब्जी मुझे खानी है, इतना बड़ा पनीर। तो मैं दो दो इंसान का खाना कंप्लीट कर दूंगी। उसका कार्टून चल रहा है यहाँ पे, तो खाते फटाफट निकलते हैं। सारा खतरा खत्म हो चुका है, एंड में बजा मेरा स्वीट डिश, बहुत प्यारा है, टेस्टी है। तो यम्मी है, पेट फुल। अब निकलते हैं, अब निकलते हैं अपने फिर से यात्रा की तरफ। और ये माउथ फ्रेशनर ये कभी नहीं भूलती मैं। निकल रहे अपने सफर के लिए वृंदावन के लिए। अब डायरेक्ट शायद वीडियो आपको, अब मैं व्लॉग नहीं कर सकती, डायरेक्ट अब वृंदावन पहुंच के ही करेंगे। अगर रास्ते में थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। पिल्लो डाल रखे अपने, ब्लैंकेट, ये देखो दो दो हमने ब्लैंकेट डाल रखे हैं। और यहाँ पे मेरा शुभू का ना लेटने का पूरा प्रोग्राम बन चुका है। तो मैं और शुभू, देखो शुभू भी कह रही है मम्मा लेटना है और दूध पीना है। तो जनाब जी तो करेंगे ड्राइविंग और हम यहाँ पे करेंगे इंजॉय के साथ, हम जाएंगे सोते हुए। तो हम जाएंगे यहाँ पे लेटते हुए, है ना शुभू। तो बाय गाइस, हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री राधा रानी। सो अभी रात के बज रहे हैं 2 बजने वाले तकरीबन, ठीक है। और हम दिल्ली के पास पहुँच गए और दिल्ली से भी हमारे को अभी 3 hours का और रास्ता है वृंदावन के लिए। 3 घंटे 20 मिनट्स, हाँ 3 hours। मजा तो बहुत आ रहा है, मतलब इस हाँ। सफर का बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वृंदावन में राधा मैया के दर्शन होंगे, अच्छे से सब कुछ होगा। आई थिंक हम मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे और डायरेक्टली हम टेंपल में जाके दर्शन कर लेंगे, हाँ। सोएंगे तो नहीं। और पीछे का देख ही रहे हो सिमी को, और बाकी गुड़िया को भी दिखा दूँ कैसी सोई हुई है, जाओ गुड़िया को दिखाओ। ये हमारी 10 सारी रोशनी पड़ी इसको, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे बैठी हूँ और मैं यहाँ पे रेस्ट भी कर रही थी, अगर आप लोगों को देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऐसे सो रही थी। सो थोड़ा सा हमने सेटअप किया था नॉर्मली, ये गुड़िया ऐसे सो जाती है और इसकी मम्मी ऐसे सो जाती है, ज्यादा स्पेस तो नहीं हमारी ऑल्टो में, बट काम चला उला काम तो बढ़िया हो जाता है। पता इतना मजा आ रहा ना, इतने मतलब कोजी कोजी में, कभी कभी मन करता ना कोजी कोजी में ऐसे रेस्ट करने का, मतलब ट्रैवलिंग में रेस्ट करते हुए और हम अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे थे ना, कितना मजा आ रहा। और बस मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और बस अच्छा लग रहा है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कंटिन्यूसली ही जाएंगे, अगर कहीं हमारे को भूख लगेगी तो हम एक हॉट ले लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कुछ खा लेंगे। हाँ अभी तो फिर चलो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है, अभी निकलते हैं। हाँ ग्लासेस इसलिए पहने हैं क्योंकि जो रास्ता है ना, मेरे को अगर कंटिन्यूसली रास्ता देखता रहूँ तो मेरी आईज रेड हो जाती है, तो ये एंटी ग्लासेस। मेरा स्ट्रांग बाबू है, एंटी ग्लासेस पहन के लॉन्ग ड्राइव करता है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी कर लेते हैं मेरे में। अभी हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया रास्ता, चलो आगे देखते क्या होता है। नजारा है गाइस देखो रात का। तो ये देखो दिल्ली की सड़कें, मतलब ऑलमोस्ट दिल्ली का रास्ता कितना अच्छा है, पूरा वाइड रोड है और सब पूरी दुनिया जागी हुई है। मतलब ट्रक ही दिखेंगे आपको, सारे माल गाड़ी दौड़े हुए हैं अभी रात को। हाँ ट्रक ही दिखेंगे, बसेस दिखेंगे और हाँ
प्राइवेट गाड़ियां भी है छोटी मोटी, बहुत कम ट्रक ज्यादा है, लेकिन हाँ रात को ये होता है कि ट्रैफिक नहीं होता इतना, तो आप आराम से ट्रेवल करते हो बिना किसी डिस्टर्बेंस। रात का डिसीजन लिया है, हम सेफ्टी का भी ध्यान रख के चले हुए हैं, राइट। ऐसा कुछ लगा नहीं इस रास्ते में क्योंकि चलता हुआ रास्ता है, सबके सब लोग हैं यहाँ पे ना, तो चलते हुए रास्ते में इतना डर नहीं लगता है। कोई सुनसान सा रास्ता हो तो उसमें ज्यादा मन घबराता है कि आप क्या करोगे, क्या कुछ होगा, या टायर बस्ट हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ये चलता हुआ रास्ता तो कोई ना कोई हमेशा आपको हेल्प मिलती रहती है, सबसे प्लस पॉइंट है। लोग तो स्कूटियों में भी चले हुए हैं जिनका भी जिगर है, देखो मेरे पति देव ना गाने एंजॉय करते करते जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने नैप लेने की कोशिश की थी पर मैं सो ही नहीं थी। तो ये बैरियर तो आप लोगों को याद ही होगा, म्यूजिक ऑन करो कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये बैरियर है, वो बैरियर है जो किसानों के लिए लगाया था गाइस, आज मैं न्यूज में देखते देखते अब मैं लाइव देख रही हूँ। तो गाइस मुझे ना इस टोपले वाले से बहुत डर लगता है, ये ट्रक है ना ये बहुत डरावने लगते हैं मेरे को, पलटे ना गायब। गाइस ये देखिए दिल्ली का पहाड़गंज, गाइस ये देखो दिल्ली वालों ये पहाड़गंज हटा दो, कितना गंदा पहाड़गंज है, ये कूड़े का ढेर, स्मेल कितनी खुशबू आ रही है बहुत अच्छी है। ये देखो कूड़े का ढेर, बाप रे बाप, लगता पूरे दिल्ली का कचरा यहीं इकट्ठा हुआ है पड़ा है ना। और ट्रक भी दिख रहे हैं और कुछ जाते हुए यहाँ पे, वो देखो ये ट्रक दिख रहा है, वाह कचरों के बीच में ट्रक घूमता हुआ नजर आया, हाय बाय कचरा ढेर। नोएडा पहुंच गए हम, अभी हम वॉशरूम के लिए रुके थे यहाँ पे, तो हमने छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि हमने बहुत जोर के वॉशरूम आया था, और यहाँ पे दिल्ली में हमें ना साफ सुथरा वॉशरूम मिल गया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, है ना। तो हमने अपना पेट खाली कर लिया और ये है वॉशरूम, ये यहाँ का पब्लिक वॉशरूम है जो रास्ते में मिल गया था, बहुत कन्वीनियंट था, रोड हेड पे मिल गया, रोड हेड के पास ही वॉशरूम मिल गया, बहुत ईजी है। मुझे लगा किसी पेट्रोल पम्प में हमारे को रुकना पड़ेगा, और इट इज़ रियली कन्वीनियंट कि हमारे को यहाँ पे ही वॉशरूम मिल गया। मेरी बात, मेरी रील बना रहा है यहाँ पे, अभी हमारा 2 घंटे की जर्नी और एक कंटिन्यूसली 6 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 2 घंटे और बचे वृंदावन पहुँचने को, बस पहुँच जाए वृंदावन जल्दी से। चलो वो देखो बड़े बुरे हाल है आपके, रो रही है उठ के मम्मी पापा करके रो रही है, मेरा कुत्ते उठ गया, मच्छर मच्छर घुस रहे चप्पल में जल्दी। नहीं रोते बेटा, इतनी ज्यादा मच्छर घुस गए अंदर, 2 मिनट के लिए हमने दरवाजा खोला, बहुत सारे बहुत सारे थूक पड़ के घुसे, उड़ जाएंगे अभी ना, नहीं उड़ेंगे, दरवाजे खिड़की खोल के रखो तभी उड़ेंगे, ये मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे पीछे आगे खिड़की ना बेटा कोई बात नहीं, अभी मच्छर निकल जाएंगे ना मेरा पुत्र, हे भगवान। ओहो मेरे पास इकट्ठे हो गए शुभ बाबा, तो पहुंच गए हम अपने वृंदावन धाम। पांच बज गए, मैंने बोला था ना 5-6 बज जाएंगे, तो हम पहुंच गए अपने राधा मैया के नगरिया, अपने कृष्ण के नगरिया वृंदावन धाम की जय। और मेरे पति रात को 9 बजे के चले ना, हाँ मतलब नॉन स्टॉप चले आप, और आपकी सल्यूट है, आपने हमें अपने आप को और हमें भी सेफली पहुंचाया, और बहुत ही सेफली, उसके लिए थैंक यू सो मच। गाइस ये रहा प्रेम मंदिर, हम जिसके दर्शन अभी तो नहीं कर रहे हैं, पर हम ही डायरेक्ट अभी इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं यहाँ से।
इस्कॉन टेम्पल के बाद हम थोड़ा सा मतलब होटल लेंगे, रेस्टिंग होगी हमारी, रेस्ट करने के बाद हम बाकी और घूमेंगे और दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। फिलहाल तो ये कैसे ओपन हो रहे हैं, पिछली बार हम ये वाले होटल में थे ना, कोविंद होटल, हाँ 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 इसी में थे, याद आ गया। दर्शन करने वाले हैं, तो हम पहले अंदर जाएं, उससे पहले गाड़ी पार्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली वृंदावन पहुंच गए और अभी दर्शन करते हैं। मैं तो पूरी रात भर सोया नहीं हूँ, ड्राइव भी करता आ रहा हूँ, बट इस चीज़ की खुशी हम टाइम से पहुंच गए और यहाँ मॉर्निंग भी हो गई है। अब बस दर्शन करते हैं, उसके बाद हम रूम लेंगे और रेस्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पहली बार बिंदा बंदा हमें कदम रखेगा नहीं रख रहा है, ये डर रहा है, चुप करके पैर रख लीजिए, ये डुम रख दिया इसने कदम, मेरे चुबू का पहला कदम वृंदावन धाम में है ना बेटा। जय जय राधा मैया, कहते जय 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 राधे राधे जय जय। चलो चलो अब नंगे पैर चले गया मेरा बेटा, कैसे कर रहा है कर मेरा पित्त प्यारा प्यारा कदम रख रहा है, ये बड़ा होगा ना तो देखेगा है ना कि मैं वृंदावन आया था। चले अब दर्शन करें, चलो दर्शन करें। हरी बोल हरी बोल। ठीक है, हम डांटेंगे, ठीक है ठीक है। भाई बहुत बड़े डिवोटी आ रहे हैं। जय श्री राधे। मंकी ओए ओए देखो मंकी आया, मंकी देखो शुभ, ए जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल दो बेटा बोल दो, जय जय श्री राधे, कतो कतो किधर, देखो मम्मा को देखो, वही जय श्री राधे जय श्री राधे। तो कैश हमारे पास था नहीं, इसके बाबा गए थे एटीएम कैश के लिए, अब चेंज करवाएंगे। आपका टीका सबसे प्यारा लगा, दिखाओ, और हम दोनों का खराब हो गया, हम दोनों मां मिटने गई। शुभू कहता कहो, शुभू इतना गुस्सा आया ना, शुभू गुच्छा है, गुच्छा है, गुच्छा है, गुच्छा आ गया। शुभू अपने धाम आया बेटा, वृंदावन धाम। हाँ ये देखो, ये देखो मम्मा, देखो ये मम्मा, ये मेरा बेटा कैसे खेल रहा है, देखो खुशी से। हम पी रहे हैं यहाँ पे दूध वृंदावन का। हाँ शुभांगी खेल रही है वृंदावन में, कोई टेंशन नहीं, इसको हाँ। लग रहा है कि सब कुछ इसी का, हाँ बस मुंह में ना लगा, वैसे खेल ले कोई बात नहीं, एंजॉय कर रही है। और हम भी इसको यहाँ पे, इसको पूरी खुली छूट है जहाँ पे ये पूरा खेल सकती है, कोई बात नहीं, एक्सप्लोर इट बेटा। देखिए दर्शन कीजिए वृंदावन धाम का, जो इस्कॉन टेम्पल है वो ऐसे है कुछ, और हमारा गला थोड़ा बैठ गया है उसके लिए माफ़ी। तो टेम्पल बहुत प्यारा है,
तो गाइस अभी दर्शन हो नहीं पाएंगे क्योंकि टाइमिंग है यहाँ पे कुछ, और अभी 7:30 बजे के बाद ही हो पाएगा, टाइमिंग भी मेंशन है। तो अभी हम तब तक, अभी 6 बजे सुबह के, तो हम सोच रहे अभी होटल देख लेते तब तक, और थोड़ा सा फ्रेश होके फिर आ जाते दर्शन के लिए। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर दर्शन के लिए आते हैं। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हम और कहाँ कहाँ जाएंगे या कहाँ से हम होटल ढूंढेंगे, वो सब देखने के लिए आप ब्लॉग्स देखते रहिए। ये सारे ब्लॉग्स आप लोगों को रेगुलर मिलेंगे, अब सारे वृंदावन ब्लॉग्स मिलेंगे। तो सभी ब्लॉग्स को बहुत बड़ा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय श्री राधा रानी। सर राधे राधे फ्रेंड्स, अभी हम रूम में पहुंच चुके हैं और मैं तो टोटली थक चुका हूँ, मेरी हालत आप देख ही चुकी हो, पूरी रात ड्राइव की है मैंने, और अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेस्ट करने के बाद हम उठेंगे इवनिंग तक, फिर सारे दर्शन करेंगे और कल और एक्सप्लोर करेंगे वृंदावन को। अभी के लिए इस व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। इन्होंने समाप्त कर दिया था, मेरा नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए ये मेरा वाला समाप्त, बाय बाय, टेक केयर किची। पूरी रात भर में ड्राइव करके आया हूँ, ये इन्होंने पीछे झपकी ले ली है, इसने भी, ये तो पूरे सो के आई है ना, और अब ये सोने नहीं दे रही। ये मैडम जी अपनी पूरी नींद करके आई है पूरी रास्ते में, और अब जब मेरा सोने का टाइम आ रहा है, तंग कर रही है, चीज़ें फेंक रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मैं व्लॉग एंड करके सोना ज़्यादा था, अब ये टीटा सोने नहीं दे रहा। राधे राधे।